महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर का रहा होगा। आसमान साफ था, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के ग्राउंड में ही बैठकर धूप के मजे ले रहे थे। आज हम दोस्त यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहे थे, तभी मेरा ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास गया। हल्के नीले रंग का स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप से उसके माथे की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह मेरे नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, ये तो निशा है। उसका नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैं निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। वह ना तो कोई मना करती थी और ना कभी हामी भरती थी, बस सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहा करते थे कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती। आज उसे इतनी सजी सबरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला मैंने उससे पूछ लिया, निशा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो, निशा ने कहा। मैं अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोल ही रहा था कि मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कन जैसे जोर से धड़कने लगी, पूरे शरीर में बिजली सी कोंद गई। पर उसने जो कहा वह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतजार मैं बरसों से कर रहा था, वह आज सुनने को मिल रहा था मुझे। वह मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार का गुलाब खिल रहा था। अब हम लोग लैला मजनू की तरह कॉलेज में फेमस हो चुके थे। मेरे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ घूमने गए, कभी इस पार्क कभी उस पार्क। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब मैं पटना की सड़कों पर निकलता था तो लोगों की नज़र हम दोनों पर टिकी रहती थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमारा कॉलेज ख़त्म होने को आ रहा था, हम दोनों को अलग होने का डर खाया जा रहा था। दिमाग में अलग अलग गजब गजब के ख्याल आ रहे थे, तभी हम सोच रहे थे कि शादी कर लें। फिर परिवार का ख्याल आया, उनके फैसले का डर सताने लगा। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन उसकी यादों ने यहाँ जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस यूं ही सोचता था तो कभी उदासी में उसकी तस्वीर को देखता रहता था। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद कुछ जिम्मेदारियां थी मेरी। मैंने भी अपना फर्ज निभाने के लिए सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करना शुरू कर दिया। इसी बीच मुझे एक अच्छी कंपनी से जॉब की ऑफर हुई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, इस तरह का ख्याल मन में बहुत बार आया। लेकिन मैं यही सोचता था, जब मैं उसे भूल नहीं पाया तो वह मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था सब कुछ भूलकर उसके पास चला जाऊं, लेकिन जिम्मेदारियों ने मुझे मजबूती से जकड़ रखा था। मैं अपने आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है, ठीक मैं भी उसी तरह बिना सोचे समझे चला जा रहा था। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था। ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे, मैं भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। वहाँ भी निशा की यादें खाई जा रही थी और एक अलग तरह की तनाई मारे जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझा जाते हैं, ठीक मेरा भी वैसा ही हाल निशा के जाने के बाद हो चुका था। बैठा तो था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी यहाँ भी अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद मेरी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है, उस कंपनी के कर्मचारी ने मेरे पास आकर कहा। ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रौबदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल वाला एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। इसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी, राजू अग्रवाल, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे, जिनका जवाब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देता गया।
उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल थे, पर मैं सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सही सही देता गया। क्या किसी से प्यार करते हो? यह सवाल सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का कोई सवाल कौन पूछता है? मैंने इस सवाल का जवाब खामोशी में रहकर देना ही उचित समझा। यह जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रही थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। इन्हें लेकर मैडम के कैबिन में जाओ, उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे कैबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छा है, वरना। मैं जब दूसरे कैबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितनी सैलरी लोगे। जब मैंने कुर्सी पर बैठी मैडम को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहां पर निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा रह गया। तभी वह मुझसे बोली, क्यों साहब चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें भूल गए? अरे मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तक कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिवाली हुए इंसान को उसकी पूरी जायदाद वापस मिली। निशा ने बताया, यह कंपनी उसके पापा की है और निशा ने खुद अपने पापा को बोलकर ही मेरे लिए नौकरी की ऑफर दिलवाई, क्योंकि मेरे बारे में निशा अपने पापा से बात कर चुकी थी और पापा उसके मुझसे मिलना चाहते थे। अब हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों ने शादी की हमारे परिवार की रजामंदी से। जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वचन देकर आज हम दोनों साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गया और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी इतना ही प्यार करने वाली निशा मिले।